नाउ स्टूडेंट्स, ये था आपकी ब्रीफिंग में कंपाउंड आपको मैंने ब्रीफ किया। इसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में आपको केमिकल बॉन्ड बताया मैंने, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा हमने, जिसमें आपने आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड पढ़ा। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है, तो डिफाइन कंपाउंड, ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप डिफाइन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्ड। दोनों की डेफिनेशन लिखना है आपको कि डिफाइन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्ड, इन दोनों की जो है पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो कंपाउंड के हेड डालने के बाद आप कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे, वेन टू और मोर से लेकर कंपाउंड तक, ठीक है, ये कंपाउंड की डेफिनेशन है। उसके बाद है केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, केमिकल बॉन्ड के हेड डालिएगा और उसके बाद लिखेंगे द फोर्स से लेकर केमिकल बॉन्ड तक। देन उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है, जो आपको कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड मैंने ब्रीफ किया उसकी आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो क्वेश्चन आएगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्वेश्चन क्या आएगा सेकंड, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ये फोर प्रॉपर्टीज हैं, ये फोर प्रॉपर्टीज आप कर लेंगे, हेडिंग भी डालेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आपने जो है क्वेश्चन लिखना है थर्ड, और उसके बाद ये हेडिंग डलेगी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की, और ये फोर प्रॉपर्टीज आपने इसकी लिख लेनी है, किसकी, ठीक है। तो ये है आपकी वर्किंग, थ्री क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दो डेफिनेशन लिखेंगे आप, सेकंड में जो है आपने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, और थर्ड में प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये है आपका वर्क, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया इस तरीके से इस वर्क को कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।